हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस। शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि डीसीईसी और बीसीईसी, ध्यान से समझिएगा। आज हम बात करेंगे डीसीईसी 2022 और बात करेंगे बीसीईसी 2022। बीसीईसी 2022, एक एक बात बढ़िया से समझिएगा कि डीसीसी 2022 और बीसीसी 2022 में बहुत लोगों का एक कमेंट था कि सर, क्या कमेंट था रेडियोलॉजी के बारे में, कि क्या सर रेडियोलॉजी का कितना कितना सीट है पूरे बिहार में रेडियोलॉजी का, अगर हम रेडियोलॉजी करेंगे तो क्या जॉब मिलेगा कि ना मिलेगा, पूरी जानकारी बताएंगे। तो देखिए, रेडियोलॉजी जो है आपको पूरे बिहार में अगर पारा मेडिकल के अंतर्गत देखा जाए, पीएम के अंतर्गत अगर देखा जाए, तो पीएम के अंतर्गत डीसीसी डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपका रेडियोलॉजी के लिए, ध्यान से समझिएगा, रेडियोलॉजी के लिए टोटल 4 कॉलेज है, टोटल 4 कॉलेज है। और रेडियोलॉजी का आपको पारा मेडिकल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पारा मेडिकल के अंतर्गत, पीएम के अंतर्गत आपका टोटल जो सीट की संख्या है वो है 240। अगर हम यही बात कर ले बीसीसी का, बीसीसी की बात करें, इसमें रेडियोलॉजी का जो सीट है वो है आपका टोटल सीट पूरे बिहार में 20 सीट है। एक एक बात बढ़िया समझिएगा, जो कि पटना हेल्थ इंस्टीट्यूट में इसका पढ़ाई है बीसीसी के अंतर्गत। अगर आप बीसीसी के अंतर्गत जाते हैं रेडियोलॉजी, इसको कहते हैं BRIT, इसको शॉर्ट में कहते हैं बैचलर ऑफ, बढ़िया समझिएगा, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये बैचलर कोर्स करवाता है जिसका टोटल सीट कितना है, 20 सीट है बीसीसी के अंतर्गत। लेकिन यही पीएम के अंतर्गत बात किया जाए, पारा मेडिकल के अंतर्गत, डीसीसी के अंतर्गत, तो टोटल जो सीट है 240 सीट है। यानी कौन कौन से कॉलेज है, 4 कॉलेज है, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, SDH लेप्रोसी हॉस्पिटल मुंगेर, यहाँ पे आपका टोटल 60 सीट है। कितना सीट दिया है, 60 सीट दिया है। यही बात कर ले पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट नूनगर लखीसराय का, तो यहाँ पे भी टोटल आपका रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का, यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स हो रहा है रेडियोलॉजी का, जो भी कोर्स इसमें होगा डीसीसी में वो होगा डिप्लोमा, लेकिन बीसीसी में जो होगा वो होगा बैचलर, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, फिर आपका तीसरा नंबर पे आता है पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कि ओल्ड सब डिविजनल हॉस्पिटल खगड़िया, यहाँ पे भी आपका टोटल 60 सीट है। फिर आपका है पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट मोतिहारा किशनगंज, यहाँ पे भी आपका टोटल 60 सीट है। यानी 4 कॉलेज है तो टोटल सीट की जो संख्या हो गई आपको वो हो गया 240। अब ये 240 जो सीट दिया गया है, इसी में आता है आपका एससी आते हैं, एससी कैटेगरी वाले, एसटी वाले आते हैं, ओबीसी वाले आते हैं, यूआर वाले भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले आते हैं, ईबीसी वाले आते हैं, और इसमें डीक्यू वाले भी आते हैं, डिसेबल कोटा वाले भी स्टूडेंट इसमें आ जाते हैं, जो विकलांग है वो भी आते हैं, और एसएमक्यू वाले भी कुछ आते हैं, सर्विसमैन कोटा जिनके पिताजी सेंट्रल सैनिक हैं, उनके बाल बच्चों के एक दो सीट रहता है। तो देखिए, रेडियोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो आप रेडियोलॉजी कीजिए। एक आप रेडियोलॉजी में आपका अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, बहुत सारे कोर्स आ जाता है। तो रेडियोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चीज कोर्स है, बहुत ही बेहतर कोर्स है, और इसका जॉब बहुत जल्द लगता है आपको। हर सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, कहीं ना कहीं जॉब कोर्स करने के बाद आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आपको पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और रेडियोलॉजी मिलता है तो आप एकदम आंख बंद करके रेडियोलॉजी में एडमिशन ले लीजिए,
और इसका पढ़ाई कीजिए, ये बहुत स्कोप इसका बहुत अच्छा, आगे आपके भविष्य में बहुत अच्छी जॉब दिलाएगा मेडिकल में, मेडिकल संबंधित ये जो जॉब है रेडियोलॉजी का, चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, हर जगह इसका पेमेंट अच्छी खासी देती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।